हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी कड़ी होती है ग्राम पंचायत, लेकिन ये कड़ी जितनी छोटी है उतनी महत्वपूर्ण भी है। इसका कारण ये है कि ग्राम पंचायत के ऊपर ही समस्त ग्रामीण जनता का विकास निर्भर रहता है। अगर हम ग्राम पंचायत बड़ा गांव की बात करें तो यहाँ से सुशील कुमार को लोगों ने अपना प्रधान निर्वाचित किया है, और जब से वो प्रधान निर्वाचित हुए हैं तब से उन्होंने विकास कार्यों को लेकर के पंख लगाने का काम किया है। ग्राम पंचायत बड़ा गांव के प्रधान सुशील कुमार हमारे साथ हैं, हम उनसे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा करेंगे। प्रधान जी, हेक्स न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चुनाव छोटा हो या बड़ा हो जी, उसको लड़ने का एक उद्देश्य होता है। आपने ग्राम प्रधान का जो चुनाव लड़ा उसका उद्देश्य क्या है? ग्राम सभा का जो चुनाव मैं लड़ा उसका उद्देश्य, मैं अपनी पंचायत का चहुमुखी विकास करना चाहता हूँ और उसमें मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। सर, जब आपको ग्राम पंचायत की जनता ने अपना प्रधान निर्वाचित कर लिया, उसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या थी? मेरी पहली प्राथमिकता ये थी कि मेरे गांव और मेरा गांव इससे पहले बेंदवी बिदरखा पंचायत में पड़ता था, तो ग्राम पंचायत बड़ा गांव में करीब 25 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो प्राथमिकता के तौर पर जो गलियों में पानी भर जाता था, साथ साथ लोगों के पास पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, तो प्राथमिकता के तौर पर मैंने ये दोनों चीज़ें ली हैं और काम भी कराया है। तो हमें ये मान के चले जिन जिन जगहों पर विकास की जरूरत थी वो प्राथमिकता के आधार पर आपने लिया। जी जी जी। अच्छा प्रधान जी, हमने तमाम प्रधानों से बात की है, हर पंचायत में हमें पानी की एक बड़ी समस्या मिली है, तो आपकी पंचायत में पानी की क्या स्थिति है? आपने अपने कार्यकाल में अब तक कितने हैंडपंपों का रिवोल कराया, कितनी TDSP टंकियाँ रखवाई, और इसके अन्य क्या साधन जुटाए जिससे ग्राम पंचायत के लोगों को पानी आसानी से सुलभ हो सके? मैंने अपनी पंचायत ग्राम पंचायत बड़ा गांव में 2017 में करीब 14 हैंडपम्प रिवोल कराए हैं, साथ साथ अब मेरी पंचायत में पानी की कोई समस्या ही नहीं है। TDS जो टंकियाँ होती हैं उनके लिए भी DM साहब से मिले हैं, हो सकता है कि 2 TDS टंकी भी लग जाए। अच्छा, हमारी जो केंद्र सरकार का उसका मानना ये है कि अगर ग्रामीण सोच के लिए बाहर जाता है तो वो तमाम तरह की बीमारियों अपने साथ में लेकर के आता है, तो ग्रामीणों को सोच बाहर न जाए ग्रामीण, इसके लिए हर पंचायत के प्रधानों को उन्होंने निःशुल्क शौचालय आमंत्रित किए। आपकी पंचायत में कितने शौचालय प्रस्तावित थे और कितने अब तक बन चुके हैं? मेरी पंचायत में 4600 शौचालय मिले हैं हमें, और 46 के 46 बन गए हैं। ज़रूरत है अभी हमें 200 शौचालय की, लेकिन अभी तो बेसलाइन सर्वे न होने के कारण शौचालय नहीं मिल पा रहे। अच्छा प्रधान जी, हमारी सरकार की एक और योजना चल रही है विशेष रूप से सफाई अभियान को लेकर के जी, स्वच्छता मिशन, तो उसके लिए ग्राम प्रधानों की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार का ये मानना है कि ग्रामीण स्तर पर सफाई की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी तो तमाम रोगों से ग्रामीणों को बचाया जा सकता है, तो सफाई की व्यवस्था के लिए आपकी पंचायत में कितने सफाई कर्मी तैनात हैं और इसके अलावा सफाई की अन्य क्या व्यवस्था है? मेरी पंचायत में 1 सफाई कर्मचारी तैनात है। इसके साथ साथ हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, जो जनता है ग्राम पंचायत की, वो अपने आस पास पड़ोस में स्वतः ही सफाई करती है और कहीं गंदगी है नहीं। हमारी केंद्र सरकार ने ये योजना चलाई थी कि कोई भी गरीब व्यक्ति बिना छत के न रहे, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटित किए गए। आपकी पंचायत में कितने प्रधानमंत्री आवास आए थे और कितने अब तक बन चुके हैं? मेरी पंचायत में 2 आवास आए थे और दोनों ही बन चुके हैं। कोई प्रस्तावित नहीं है? कोई प्रस्तावित नहीं। अच्छा मैं प्रधान जी बात करूं प्राइमरी एजुकेशन की, तो प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति बहुत दयनीय है। स्थिति यह है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद भी स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही, तो आपने आपकी पंचायत में कितने विद्यालय हैं, कितने विद्यालयों में आपने क्या क्या कार्य कराए और बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए आपने क्या कहा? मेरी पंचायत में 1 प्राथमिक विद्यालय है जिसमें टाइल्स लगा दिए गए हैं, विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है और उसकी बिल्डिंग भी अच्छी तरह से तैयार कराई गई है। और रही शिक्षा की बात, बच्चों को बढ़ाने की बात, तो हम लोग उसमें प्रयासरत हैं और पिछले गत वर्ष में स्टूडेंटों की संख्या 67 थी, इस वर्ष
लगभग 150 मिली। अच्छा प्रधान जी, ये तो रही प्राइमरी एजुकेशन की बात। हमारी सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं ग्रामीण स्तर पर दिए हैं, जैसे विधवावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है या वृद्धावस्था पेंशन है। इसके अलावा अन्य और सुविधाएं हमारी प्रदेश सरकार ने मुहैया कराई है गरीबों के लिए विशेष रूप से। तो कितने पात्र लोगों को आपकी पंचायत में इसका लाभ मिल रहा है, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? मेरी पंचायत में लगभग हम लोगों ने 250 तो राशन कार्ड बनवाए हैं, और जिससे जो गरीब लोग हैं वो राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो शेष रह गए उनके लिए हम प्रयास करते हैं उनके भी कार्ड बन जाए। साथ ही साथ विधवा वृद्धा पेंशन के लिए भी प्रयासरत हैं। अब तक हमने अपनी पंचायत में 38 विधवा पेंशन और 27 वृद्धा पेंशन बनवा दी है। अच्छा प्रधान जी, एक अहम चीज़ ये है कि जिन जिन स्थानों पर हम गए हैं वहाँ हमें राशन डीलर की तमाम तरह की शिकायतें मिली हैं। पहले क्या था कि राशन डीलर पर होल्ड रहता था प्रधान का, अब प्रधान का होल्ड राशन डीलर से समाप्त हो गया है। तो राशन डीलर पूरी तरह से मनमानी पर उतर आए हैं और हर जगह राशन डीलर अनियमितताएं कर रहा, हर पंचायत में हमें देखने को मिला। आपकी पंचायत में राशन डीलर का क्या हाल है? वो खाद्यान्न समय से बांट रहा है या नहीं बांट रहा है, और खाद्यान्न पूरा बांट रहा है या नहीं बांट रहा है? हमारी पंचायत में जो राशन डीलर है वो सही काम कर रहा है। यदि प्रधान की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि राशन डीलर किस तरह से काम करते हैं, तो प्रधान का होल्ड तो नहीं है, लेकिन प्रधान जाकर के वहाँ देख सकते हैं और गरीब जनता को राशन दिलवा सकते हैं। और राशन डीलर मनमानी नहीं कर सकता, केवल प्रधान एक्टिव होनी चाहिए। प्रधान की एक्टिवनेस के ऊपर है जी। अच्छा प्रधान जी, ये जो हमारा क्षेत्र है वो डार्क जोन में आ रहा है। डार्क जोन में इसलिए आ रहा है कि जल स्तर दिन पर दिन नीचे जा रहा है। हमारी सरकार की एक और मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने तालाब हैं उनमें अगर परिपूर्ण पानी रहेगा तो जल स्तर में थोड़ा सुधार होगा। इसके लिए ग्राम प्रधानों को सरकार ने निर्देश आदेश दिए हैं कि जिन जिन तालाबों में पानी है और जिनमें तालाबों में पानी नहीं है वहाँ प्रधान अपने संसाधनों से तालाबों में पानी भरवाएं। आपकी पंचायत में कितने तालाब हैं और कितने तालाबों में पानी है, जिनमें पानी नहीं है उसमें आपने पानी भरवाने की क्या व्यवस्था की है? मेरी पंचायत में 5 तालाब हैं। अब तक 4 तालाबों की खुदाई करवा चुका हूं और जिसमें 3 तालाबों में पानी भरवा दिया गया है। शेष तालाबों पर खुदाई का काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होते हैं उनमें भी पानी भरवा दिया जाएगा। प्रधान जी, शुरू में आप एक बात बता रहे थे कि प्राथमिकता के आधार पर मैंने उन चीज़ों को लिया जहाँ विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। आपने बताया कि जब आप प्रधान बने थे उसके उस समय गांव की स्थिति, गलियों की स्थिति ज़्यादा खराब थी, जलभराव था, कीचड़ थी, तो उन सारे स्थानों पर आपने कितने खरंजा और कितने नालियों का निर्माण करवाया, और इसके अलावा जो सीमेंटेड वो थी सीसी मार्ग कितने करवा? अब तक 2.5 साल के कार्यकाल में अपनी आधी ग्राम पंचायत मैंने सीसी मार्ग और इंटरलॉकिंग करा दिया है। शेष जो कार्य रह गया है वो आने वाले वित्तीय वर्षों में कराए जाएंगे। मेरा मानना है कि अब तक मैंने करीब 24 गली सीसी करा दी है और 4 गली इंटरलॉकिंग करा दी है। अच्छा प्रधान जी, हमें जानकारी जैसी मिली है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सोलर लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है, तो आपकी पंचायत को कितने सोलर लाइट मिले हैं और कितने लग चुके हैं? मेरी पंचायत में हमने खुद ही एक भी सोलर लाइट नहीं लगवाई है। सरकार का मानना है कि वो सरकार चाह रही है कि नेडा से लगेंगी, इसलिए मेरी पंचायत में कोई सोलर लाइट नहीं लगी है। अच्छा प्रधान जी, अभी आपके पास पूरे 2.5 वर्ष का समय है। 2.5 वर्ष के लिए आपने ऐसी कौन कौन सी कार्य योजनाएं बनाई हैं जिससे आपकी पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में दिखाई दे? पत्रकार महोदय जी, मेरी पंचायत में 80% लोग गरीब रहते हैं, झोंपड़ी में रहते हैं, टीन डाल करके रहते हैं। जहाँ तक विकास का कार्य है तो गलियाँ में सीसी कार चल ही रहा है, लेकिन हमारी मंशा यही रहेगी कि जो जिनके पास छत नहीं है उनको छत दिला दी जाए, जिससे उनकी ज़िंदगी सही तरह से कट सके। यही हमारी मंशा है और इसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें सरकार का सहयोग चाहिए। सरकार ने अभी जो जियो निकाला है कि जिसके पास झोपड़ी हो या कच्ची दीवार हो उनके ही मकान बन पाएंगे, तो इस
इससे ऐसा लग रहा है कि हमारी मंशा पर पानी फिरती हुई नजर आ रहा है और हमें नहीं लग रहा कि इस तरह से हमारे जो गरीब भाई हैं उनके आवास बन जाए। और हम पत्रकार महोदय जी आपसे भी नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार तक ये चीज़ पहुँच जानी चाहिए कि जो लोग गरीब हैं और 4 ईंट लगा करके या 200 ईंट लगा करके टीन डाल करके रह रहे हैं तो उनको भी आवास मिलने चाहिए। हमारे ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो जब सर्वे कराई जाती है तो वो कहते हैं कि सरकार का जो आदेश है वो केवल कच्चे मकान हैं उनके लिए है या छप्पर पड़ रहे हैं उनके लिए है। जो लोग गरीब हैं जिन्होंने एक दीवार लगा करके अगर टीन भी डाल दिया है तो उनके मकान नहीं बनेंगे। तो हमारी आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे इस अभियान में अभी हमारे साथ दें। अच्छा प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से कोई अपील करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस पंचायत को स्वच्छ रखें, आपस में लड़ाई झगड़ी न करें, स्वच्छ वातावरण रखें और स्वस्थ रहें। ये थे ग्राम पंचायत बड़ा गांव के प्रधान सुशील कुमार, जिनसे हमने उनकी पंचायत के विकास को लेकर के एक लंबी चर्चा की। उन्होंने बताया कि जब वो प्रधान बने तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं स्थानों पर कार्य कराया जिन स्थानों पर कार्य की महती जरूरत थी। उन्होंने ये बताया कि पंचायत में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ 100% लोगों को मिल रहा है। कुछ लाभार्थी हैं जो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए वो प्रयासरत भी हैं। उन्होंने ये बताया कि 2.5 साल के दौरान उनकी एक ऐसी योजना है, वो चाहते हैं कि हर घर में पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, हर घर के सामने नाली और खरंजे की व्यवस्था हो, हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो। इससे निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के समस्त लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे और उनकी पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में गिनी जा सकेगी। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ राम राव, टेक्स न्यूज़।